जहां पर हल्द्वानी पहुंचे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलावरू का पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। यहां उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर युवाओं में जोश भरा है। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर जनता की आवाज उठाएगी। जल्द ही यूथ कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और रेरा को लेकर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। साथ ही इस बार लोकसभा चुनाव में युवाओं को अहम भागीदारी बताते हुए एकजुट होकर बीजेपी को कड़ी शिकस्त देने की बात कही। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस का पूरे प्रदेश भर का कार्यकर्ता आज यहाँ पर आया हुआ है। युवा कांग्रेस 2024 में किस प्रकार से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार लानी है, किस प्रकार से कांग्रेस के एमपी 2024 में जिताने हैं, उसके लेकर यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। और जो एक कांग्रेस युवा कांग्रेस का बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो एक कैंपेन चला है, उस पर किस चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे यहाँ अतिक्रमण का मामला जो चल रहा है, रीला का जो मामला है, ये सारे मुद्दों के खिलाफ जनता के हक और जनता के आवाज़ उठाना युवाओं का काम है। साथ में आने वाले लोकसभा के कैसी तैयारी करेंगे उस पर भी चर्चा होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार उत्तराखंड की हमने पार्टी को बूथों में मजबूत करने का काम करना है। कैसे जो भारतीय जनता पार्टी युवाओं को ठगने का काम कर रही है, कैसे डबल इंजन ने हमारे साथियों पर लाठियां भाजने का काम किया, कैसे हमारी प्रदेश में महिला सुरक्षा ताक पर है, कैसे पूरी तरीके से जो हमारे उत्तराखंड का विकास है, वो जो राह है विकास की, वो हम भटक चुके हैं। तो कैसे इन चीज़ों पर हम बात कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्रदेश को सही दिशा में